नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्स विचार में। आज हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस 2021। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकते हैं। ये वीक में बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, तो कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले निकल के आता है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, दूसरा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, नजारा टेक्नोलॉजीज और सूर्योदय, ये स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुला है तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ये अपकमिंग आईपीओस 2021 की पूरा डिटेल्स में टाइम टेबल। मैं हूं निकुंज टैक्स विचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकल के आता है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ का टाइम टेबल। या दोस्तों, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और ये कंपनी डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है सिलेंडर ब्लॉक्स जो कि ट्रैक्टर्स में लगते हैं। आगे देख लेते हैं इनका टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ ओपन हो रहा है 15 को, क्लोज होगा 17 को, मतलब कि 15, 16, 17 तारीख को ये आईपीओ ओपन रहेगा। और ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट इसका है मार्च 22, रिफंड होगा इसका मार्च 23 को। और अगर आपको ये आईपीओ लगा है तो डीमैट अकाउंट में आपको मार्च 24 को ये अपना शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और लिस्टिंग डेट 25 मार्च रहेगी। आगे देख लेते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड्स आईपीओ का टाइम टेबल। वो देखने से पहले, लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक स्पेशल केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये ऑपरेट करती है दो बिजनेस सेगमेंट में, जैसे कि पहला एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। ये प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं वेरियस इंडस्ट्री में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, इंक एंड कोटिंग, डाइस पिगमेंट, पेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इत्यादि में। आइए देख लेते हैं इनका टाइम टेबल। तो आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 5 को और ये क्लोज हो रहा है 17, मतलब कि 15, 16, 17 तक ये ओपन रहेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा मार्च 22 को। अगर ये आपको आईपीओ नहीं लगा है तो मार्च 23 को लगेगा। मैं एक वीडियो और एक बनाऊंगा जो अलॉटमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं वो आप चेक करिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। और आगे देख लेते हैं, अगर आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है तो मार्च 24 को ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग डेट है मार्च 25। आगे देख लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का। तो कल्याण ज्वेलर्स एक इंडिया की लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनी है। ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और ये वैरायटी ऑफ गोल्ड स्टडेड ज्वेलरी प्रोडक्ट बनाती है। और ये अलग अलग त्योहारों जैसे कि वेडिंग और फेस्टिवल इत्यादि पे गोल्ड ज्वेलर्स बनाती है उनके ब्रांड नेम्स से। इनके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। या दोस्तों, आगे देख लेते हैं इनका आईपीओ का टाइम टेबल। आईपीओ का टाइम टेबल में मार्च 16 को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है 18 को, मतलब 16, 17, 18 को ये ओपन रहेगा। और ये अलॉटमेंट डेट इसका है मार्च 23। इनिशियल ऑफ रिफंड, मतलब कि आपको अगर ये आईपीओ नहीं लगा है तो मार्च 24 को पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अगर आपको आईपीओ लगा है तो आपके डीमैट अकाउंट में 25 मार्च को शेयर्स आ जाएंगे और लिस्टिंग डेट है मार्च 26। आगे देख लेते हैं नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ का। नजारा टेक्नोलॉजीज एक गेमिंग कंपनी इंडिया की है। इनका बिजनेस डिफरेंट सेगमेंट्स में है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस, प्रीमियम बिजनेस, ई स्पोर्ट्स, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग, रियल मनी गेमिंग।
ये सारे बिजनेस इसमें सेगमेंट्स में करते हैं, और इनका जो रेवेन्यू मेन आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस से। आइए देख लेते हैं इनका टाइम टेबल। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 17 को, क्लोज होगा मार्च 19 को, मतलब कि 17, 18 और 19 को ये आईपीओ खुला रहेगा। अलॉटमेंट डेट मार्च 24th है, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको रिफंड 25th मार्च को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो फिर मार्च 26 को ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और ये लिस्टिंग डेट इनका है मार्च 30। आगे देख लेते हैं सूर्योदया स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ का। ये एक लीडिंग फाइनेंशियल बैंक कंपनी है इंडिया की। इनके कस्टमर मेनली है अनबैंक्ड और अंडरबैंक सेगमेंट के, और ये कंपनी ऑपरेट होती है, मतलब कि मेन बिजनेस इनका ऑपरेट होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के जैसे, और ये ऑफर करती है क्रेडिट प्रोडक्ट्स जैसे कि MFI लोन्स, विकास लोन्स, शॉपकीपर लोन्स एक्सेट्रा। आइए देख लेते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का टेंटेटिव टाइम टेबल। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है मार्च 17 को, क्लोज होगा मार्च 19 को, अलॉटमेंट डेट मार्च 24th है, और रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफंड आपको अपने बैंक अकाउंट में 24th मार्च को मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में मार्च 25th को आ जाएंगे, और ये लिस्टिंग डेट इनका है मार्च 30। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आपके सामने, हर कोशिश और हर बार एक नया तरीका से एक वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आने वाले दिनों में इनके ऊपर रिव्यू भी करूँगा, ये बहुत सारे आईपीओ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है रिव्यू बनाने में, पर लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करके आपके सामने ये वीडियो लाऊं। मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में।